दोस्तों, तो आप बढ़ते हैं इसके आगे के पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके अगला पॉइंट है, इसमें बताया गया है वोटर्स लिस्ट। दोस्तों, मेनली से बताया गया है कैसे वोटर्स लिस्ट में हम लोग जो सरकार है वो एक लिस्ट बनाता है कि किसमें कौन कौन आदमी है जो वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। उसमें लिस्ट में ये भी तैयार होते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी मर गया है तो उसका उसमें से नाम हटा के किसी और आदमी का जो 18 साल का हो गया है उसका भी नाम उसमें दिया जाता है। इसमें एक बात आ गया है जो कि है हम लोग वोटर लिस्ट में कि कुछ ऐसे आदमी का नाम देना जो कि वोट कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही कम ऐसे आदमी होते हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमारा जो कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है तो इसके अंदर सभी लोग को वोट करना अनिवार्य है जैसे हम लोग जानते हैं, और डेमोक्रेसी कंट्री में जो सभी लोग हैं वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लेकिन जो इसमें ये बात लाया गया है कि कुछ लोग वोट के अधिकार उनको नहीं दिए जाते हैं वो इसलिए है क्योंकि मान लिया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनको बहुत ही रेयर केस में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिया जाता है कि वो इसमें क्या कहते हैं वोट नहीं दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें बताया जाता है कि कैसे जो वोट होने से कुछ महीने पहले या दिन पहले ये सब निकल जाता है वोटर लिस्ट में, जिसमें सभी लोग के नाम लिखे रहते हैं कि कौन कौन ऑफिशियली जो है वो वोट कर सकता है। उसमें कुछ व्यक्ति जिनके नाम नहीं रहते हैं वो हो सकता है कि वो बड़े क्रिमिनल्स हो या फिर किसी और केस के वजह से या किसी और बड़े किसी कारण के वजह से वो वोट नहीं दे सकते हों। दोस्तों, इसे कहा जाता है वोटर लिस्ट के बारे में कि कैसे इसमें वोटर लिस्ट तैयार होता है। इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो कि डेट कर जाते हैं या फिर कुछ व्यक्ति जो कि नए नए अभी 18 साल के होते हैं उनके भी नाम इसमें ऐड होते हैं और कुछ के रिमूव होते हैं। सेम यही इसमें बताया गया है कि इसको अपडेटेड रखना एक तरह से ज़रूरी होता है कि कौन कौन इसमें वोट दे सकता है और इसमें कौन वोट नहीं दे सकता है। इसे बताया गया है कि कैसे, हमने अभी बताया कि कुछ जैसे आदमी सब होते हैं जिनके वोट देने का अधिकार नहीं रहता है, मीन्स वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो किसी कारण से, हो सकता है कि बड़े क्रिमिनल्स हो या किसी और कारण से, जो गवर्नमेंट है उनको बोल देता है कि आप जो वोट हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं। अब इसके आगे बताया गया है कैसे, अब ईपिक मीन्स इसमें इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसमें बताया गया कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मीन्स ये जो बात है ये आई है गवर्नमेंट के अंदर कि नहीं ऐसा काम ये जो है ये करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कैसे जो वोटर्स है उनको कोई अपना एक कार्ड कोई कैरी करना होगा जो कि वो दिखा सकें, मीन्स वोट देने से पहले एक प्रूफ दिखा सकें अपना, वो कैरी करके उनको ले जाना होगा, और वो कार्ड जो है जो कि उनका प्रूफ जैसे आधार कार्ड होते हैं और भी बहुत सारे कुछ अलग भी प्रूफ के अपने आइडेंटिटी प्रूफ होता है उसको दिखाकर ही वो वोट कर सकते हैं। लेकिन इसे अभी उतना तरह से अपनाया नहीं गया है, मीन्स इस बात को खाली अभी रखा गया है, गवर्नमेंट अपने मन में रखा है कि वो ऐसा करेगा लेकिन इस बात को अभी पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है। इसका अगला है, इसमें आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। दोस्तों, हमने तो ये जान लिया कि कैसे हमें अपने ऊपर एक तरह से फ्री होना चाहिए, मतलब ना ही किसी चीज़ का प्रेशर, और अपना जो डिसीज़न हम लोग फ्रीली ले सकें उसी में कहलाता है कि कैसे जो हमें वोट किसी को दे रहे हैं या फिर जो आदमी अगर फ्रीली डिसीज़न लेता है तभी वो जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहला सकता है। अब इसमें बताया गया कैसे जो वोटिंग है उसमें वोटर्स जो हैं वो कम से कम 18 साल के होने चाहिए, मीन्स 18 साल के बाद वो वोट देना शुरू कर सकते हैं या फिर उस समय से वोटर के उनके जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का कैंडिडेट बनना होगा, इलेक्शन में आपको खड़े होना है, तो उसके लिए आपका कम से कम उम्र 25 साल होना चाहिए कि उसमें आप खड़े हो सकें। इसमें बताया जाता है कैसे जो किसी भी पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो उसमें खड़ा होता है तो वो एक तरह से एक सिंबल लेके खड़ा होता है, मीन्स अपने एक पार्टी का कोई सिंबल लेके कि हम इस पार्टी को दर्शा रहे हैं या फिर इस पार्टी की तरफ से हम इसमें लड़ रहे हैं, तो उसका सिंबल लेके इसमें खड़ा होता है उसी को कहा जाता है, जो पार्टी नॉमिनेशन जो है उसे टिकट कहा जाता है उसका। इसमें बताया गया है कैसे, फिर इसमें भी जो कुछ ऐसे रेयर केस आए थे जिसके अंदर क्रिमिनल्स होते हैं और ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति पे जो कि इसमें भी खड़े नहीं हो सकते, मीन्स वो लोग भी अपने जो कैंडिडेट में अपना नाम नहीं दे सकते इसमें खड़े होने के लिए। फिर बताया गया कि कैसे एक नया जो सिस्टम इसमें चला हुआ है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि अगर आपको कैंडिडेट के एक तरह से रूप में खड़ा होना है तो आपको अपने एक इसमें इंफॉर्मेशन देना होगा, आपको अपने बारे में एक डिटेल देना होगा जो कि है कि क्या आपके पास कभी ऐसा तो नहीं है कि कभी क्रिमिनल केस जो अभी पेंडिंग में है, मीन्स अभी चल रहा है और आप फिर ये लड़ रहे हैं, जैसे सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। और इसके साथ ये भी बताया गया कि आपको अपने फैमिली के बारे में जानकारी देना होगा कि क्या उनके में भी तो ऐसा नहीं है कि कोई केस में है या फिर कोई जो क्रिमिनल केस जो है उसमें वो है कोई भी उनका फैमिली मेम्बर्स।
और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका जो एजुकेशन है उसका भी क्वालिफिकेशन का उनको प्रूफ देना पड़ जाता है। और इन सभी चीज़ों को एक तरह से पब्लिक कर दिया जाता है, जिसके कारण सभी लोग इस चीज़ को जान सकें और इसी तरह अपने जो निर्णय जो है उसको ले सके, जैसे वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सब को भी सबको पब्लिक कर दिया जाता है इसमें। अब इसमें बताया गया है इलेक्शन कैंपेन, मेनली बताया गया है कैसे कोई भी आदमी जो खड़ा रहता है उसमें, कोई भी कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी खड़े रहते हैं, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि वो इससे एक तरह से रेस हो जाता है कुछ आदमियों के बीच में, ऐसे दो तीन पार्टीज़ के बीच में रेस हो जाता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, साथ में उनको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है, जैसे कि कुछ जो है वो 2 सप्ताह पहले अपना तैयारी कर देते हैं शुरू, और कुछ 1 महीने पहले से ये सब तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर वो सब जो है कहीं जाकर जैसे किसी जगह पे प्लेस विजिट करके वहाँ पे कुछ बताना या फिर उनके सपोर्ट के लिए कुछ कहना, उसमें ये लोग इसमें बताते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो बोलता है कि अगर आप एक तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं या फिर अपने लिए कहीं जाकर खड़े होते हैं और उनसे कुछ बोलते हैं कहते हैं, जैसे किसी भी जगह पर जाना वोट मांगने के लिए, तो इसमें बाकी उसके लिए आप अपना गाड़ी यूज़ करें, अपना पर्सनल जाएँ, ऐसा नहीं कि सरकार का आप कुछ भी इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको जो चीज़ यूज़ करना है उसे आप अपना खुद का यूज़ करें। इसमें जो लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ ऐसे इशू को भी ये लोग खड़ा करते हैं, मीन्स ये सब जो हैं सब पार्टीज़ में कुछ ऐसे बड़े इश्यूज़ को भी खड़ा करते हैं जिनको ये लोग बोलते हैं कैसे ये लोग इसे इशू को कंप्लीट कर देंगे, मीन्स जो इशू है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे अगर कुछ ऐसे इशूज़ को खड़ा किया जाता है, और उसी इशू को दर्शा कर एक तरह से कुछ ऐसा हम लोग के मन में लाया जाता है कि हाँ हमको लग सके कि ये बेहतर होगा आदमी। ये तो इसमें बताया गया है, जैसे पहले कुछ कांग्रेस के जो इसमें पार्टी में जो इंदिरा गांधी थे, उन्होंने भी गरीबी हटाओ जो है रिमूव पॉवर्टी उसके जैसे इलेक्शन में उन्होंने ये कहा था 1971 में, मींस इस स्लोगन को लेकर वो उस समय जीती थी। फिर इसके आगे आया सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, मीन्स इस तरह करके जो हर जगह के जो व्यक्ति थे जैसे वेस्ट बंगाल ये सब कुछ आंध्र प्रदेश के जैसे व्यक्ति सब थे वो सब इस सब एक मुद्दा खड़ा करते थे कि वो उससे वोट ले सकें, कि कुछ ऐसा मुद्दा जो उनके सोसाइटी में हो या उस जगह में ज़्यादा उस मुद्दे को जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा प्रचलित हो जाता है उस टाइप के मुद्दे को भी उठाना कि हाँ वो लोग वोट ले सकें। फिर इसमें बताया गया है कि ये जो है ये एकदम फेयर इसमें होना चाहिए, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कैसे भी किसी भी जैसे बाइबल हो गया या किसी भी अदर जो धर्म है उसको बुरा भला कहे और उसके बाद वोट लें, या फिर रिलीजन कास्ट के ऊपर ले जाकर कि जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है तो उस कास्ट को एक तरह से दर्शा कर वोट लेने की कोशिश करें, ये सब ऐसा नहीं होगा। साथ में इसमें बताया गया है कि इन लोगों को मतलब ये लोग मुश्किल से ज़्यादा ये लोग 25 लाख खर्चा कर सकते हैं अगर वो लोकसभा के इलेक्शन में रहते हैं, और 10 लाख खर्चा कर सकते हैं अगर वो लोग असेंबली के इलेक्शन में वो लोग लड़ते हैं, तो मतलब इसके जो रुपीज़ जो है जो मनी जो लगने वाले हैं उनका भी एक तरह से लिमिट है 25 लाख और 10 लाख का, कि आप इतने ही रुपये खर्च कर सकते हैं, इसके आगे आप रुपया ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये इनके में भी कुछ बता दिया गया कि कैसे ये लोग इशूज़ खड़े कर कर अपने लिए वोट लिया करते थे, साथ में इन लोगों को मना था कि आप धर्म को रिलीजन को ये सब को आप बात नहीं खड़ा करेंगे और इससे आप वोट नहीं लेंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं कभी कभी यार ऐसा होता भी है तो उसको जो वो आदमी रहता है उसके इलेक्शन में उसका नॉमिनेशन जो रहता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। साथ कुछ और भी इसमें रहते हैं मतलब रीजंस कि उनको हटा दिया जाता है, वो होते हैं कि जैसे एक तो होगा कि अगर इस तरह से ये फेयर यूज़ में अगर ये नहीं करते हैं, मतलब अगर इस तरह जो बताया गया जिस तरीके से वो नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। साथ ही साथ इनसे बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि वो किसी ऐसे प्लेस पर जाते हैं जो वर्शिप प्लेस है वहाँ पर जाकर भी कोई इलेक्शन का प्रोपोगेंडा खड़ा करना, तो उसके वजह से भी उनको हटा दिया जा सकता है, ना ही उन्हें किसी भी गवर्नमेंट का व्हीकल्स एयरक्राफ्ट या कुछ भी इलेक्शंस में कुछ भी यूज़ नहीं करना रहता है, मीन्स जो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ में हैं उनमें से जैसे व्हीकल्स के होगा वो सब इनको यूज़ नहीं करना रहता है। साथ ही से बताया गया है कैसे अगर इलेक्शन के वक्त अगर कुछ वो बताते हैं कि वो इस काम को करेंगे तो उसमें कुछ वो कुछ वादे जैसे किया जाता है कि कुछ जो मंत्री सब है वो कुछ वादे करते हैं कि वो ये काम करेंगे या किसी इशू को खड़ा करके बोलते हैं कि वो ये काम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, मीन्स अगर वो सब जो है ये सब बात कह कर उसमें से
अगर बात को पूरी नहीं करते हैं ठीक से तो ये भी उनके लिए एक तरह से ठीक नहीं रहता है। मतलब कि वो लोग को जो लोग बोले रहते हैं उनको लगभग कुछ बात उनको जो है पूरी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर एक तरह से पत्थर डाल के सब जो प्रोजेक्ट जो कहते हैं वो सबको हटा देना। उसका जो अगला टॉपिक आता है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इसमें बताया गया कि कैसे ये जो एक तरह से लास्ट स्टेज है इस इलेक्शन का, जिसके अंदर जो वोटर्स रहते हैं वो वोट करते हैं। मतलब कि अब इनका आ गया है लास्ट स्टेज के जिसके अंदर वोटर्स हैं, अब वो जाकर इसमें वोट करते हैं। इसमें जो पोलिंग बूथ रहता है वो मेनली सिचुएटेड रहता है लोकल स्कूल के पास या फिर किसी गवर्नमेंट का जो ऑफिस रहता है वहाँ पर सिचुएटेड रहता है। वहाँ पर जो वोटर है एक बार अंदर जाते हैं बूथ के अंदर तो वो मान लिया जाते हैं कि ऑफिशियल आइडेंटिटी अपना एक तरह से प्रूफ करते हैं, और उनके जो उंगली पे है निशान लगा दिया जाता है, फिंगर पे निशान लगा जाता है, इस कारण एक तरह से ये पता चल सके कि हाँ इन्होंने वोट दे दिया है। और साथ ही साथ उसके अंदर चाहे वो किसी मतलब कोई और जैसे वहाँ पे व्यक्ति बैठे रहते हैं जो कि दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके जो पार्टीज़ की जैसे कोई भी 5 पार्टीज़ का अगर हो रहा है, अगर उस पार्टी में अगर किसी आदमी को लगता है कि नहीं अगर मुझे अपने किसी आदमी को वहाँ बैठाना चाहिए कि जो देख सके कि ये सही से हो रहा है नहीं, तो इसके लिए वो अपने किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है कि आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए अंदर और देखते रहिए कि ये सही हो रहा है कि गलत। मतलब कि अपना एक एजेंट भेज सकता है और ये अलाउ रहता है सबको, अपना एक एजेंट अगर चाहे तो वो भेज सकते हैं। इसी में जो लोग रहते हैं वो अंदर जाके अपना आइडेंटिटी दिखाते हैं, और साथ ही साथ उन्हें जिन्हें वोट करता है उससे वो लोग जाकर जो बैलेट का जो पेपर रहता है वहाँ पे वो स्टैम्प दे देते हैं, मतलब जिसे वो वोट करना चाहते हैं। और जो है ये मेनली ईवीएम पे होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है वो इस बात को रिकॉर्ड करता है, मीन्स जो वोट है वो अब रिकॉर्ड करता है, अब उसे रखा जाता है। इसे बताया कि कैसे ईवीएम है उसके अंदर सभी जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं उन सबके जो सिंबल्स रहता है पार्टी का उसके वहाँ पर दर्शाया जाता है, और वहाँ पे जो व्यक्ति सब रहते हैं उन्हें उसे चूज़ करना रहता है, मीन सिलेक्ट करना रहता है उस सिंबल को। ये तो बताया गया कि जब ये पूरा हो जाता है तो सारे जो ईवीएम है उसे सील करके एक सिक्योर प्लेस में ले जाता है, और कुछ दिन बाद वो किसी फिक्स डेट में ईवीएम रहता है उसे खोला जाता है, और जो कि एकदम सिक्योर रहता है पैसे में उसे सिक्योर प्लेस में रखा जाता है। कुछ एजेंट्स रहते हैं जो कैंडिडेट्स के, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ व्यक्ति से वहाँ पे मिलकर जो वोट्स हैं उसकी जो गिनती करना शुरू कर देते हैं कि किसे कितना वोट मिला है। और मेनली ये जो काउंटिंग रहता है ये एक दिन के अंदर पूरा हो जाता है, मीन्स या तो कुछ समय लगता है या कुछ उसी दिन के अंदर ये पूरा हो जाता है। फिर इसके साथ बताया गया है कैसे टेलीविज़न चैनल्स हो गए, रेडियोज़ हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, इन सब पे ये सब की जो रिपोर्ट है वो आना भी इसमें शुरू हो जाता है, मीन्स ये एक दिन के अंदर ये लगभग ये पूरा काम हो जाता है। मतलब वोट्स जो गिनती होती है वोट्स की ये पूरा एक दिन के अंदर काम हो जाता है। नहीं मिलते हैं इसके अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रह गए, और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।